अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी क्या होते हैं। तो सबसे पहले है लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी होता क्या है, कि जब आप सांस लेते हैं, सांस आपके फेफड़ों में जाता है, फिर वहाँ पे डिफ्यूजन होती है, स्टीप डिफ्यूजन होती है। स्टीप डिफ्यूजन कहते हैं कि अचानक से जो डिफ्यूजन हो जाती है, फास्टर डिफ्यूजन जो है उसको स्टीप डिफ्यूजन भी कहते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन होती है, फिर उसके बाद गैस एक्सचेंज के बाद वो गैस बाहर आ जाती है। तो हर स्टेप के दरमियान जो है कितनी अमाउंट में गैस मौजूद है, वो सारी की सारी लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अमूमन कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी, वो कितनी है? 5 लीटर है। कुछ लोग जो है इसे 6 लीटर भी लिखते हैं। उसकी वजह क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन साइज जो है वो वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों के जीन्स जो है वो मुख्तलिफ हैं, तो हो सकता है कि किसी के फेफड़े जो हैं वो बड़े हों, हो सकता है किसी के फेफड़े छोटे हों, हो सकता है किसी के फेफड़ों के अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह हो। तो हम कॉन्स्टेंट कोई एक मिकदार नहीं रख सकते, इसलिए हम जो है नंबर्स के अंदर वेरिएबल रहते हैं कि 5 to 6 लीटर जो है लंग कैपेसिटी होती है। आपके दांत के अंदर उन्होंने फिक्स 5 कर दिया, लेकिन ये जो है हम इसके ऊपर पक्का कंफर्म नहीं रह सकते कि ये 5 लीटर है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन साइज जो है वो वेरी करता है। तो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी आपको समझ आ गया कि वो क्या होता है, कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी क्या है, कि फेजेस के दौरान, डिफरेंट फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन के दौरान आपके फेफड़ों के अंदर हवा, डिफरेंट फेजेस के अंदर जो हवा मौजूद है उसको लंग कैपेसिटी या लंग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और लंग कैपेसिटी की हमने बात की कि वो कितना होता है जी, अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 to 6 लीटर होता है। ठीक है, 5 to 6 लीटर होता है। अब जब आप सांस ले रहे हैं, अब आप सोचें 5 लीटर सांस, यानी कि आगे इतने वॉल्यूम की सांस जो है वो तो आप नहीं ले सकते, लेकिन क्या है कि जब आप सांस ले रहे हैं वो बहुत ही छोटी अमाउंट में जो है वो आप सांस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं तो वो कई सारे हैं, लेकिन आपकी किताब के अंदर जस्ट उन्होंने 2 को डिस्कस किया है, और इम्पोर्टेंट भी 2 ही हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? टाइडल वॉल्यूम और दूसरा है रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, टाइड कहते हैं एक बड़ी मौज को। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि अगर हम इस लेयर, इस वेव को देखें, तो ये जो वेव है इसको आप इंस्पायरेशन कंसिडर करें। ठीक है, इंस्पायरेशन यानी कि आप जो सांस लेते हैं, और इसको आप जो है एक्सपायरेशन कंसिडर करें। ठीक है, इसको आप इंस्पायरेशन और इसको एक्सपायरेशन, यानी कि टोटल कंप्लीट 1 साइकिल जो है वो टाइडल वॉल्यूम आप कंसिडर करेंगे। अमाउंट ऑफ एयर कह सकते हैं आप कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, कि पूरा एक साइकिल जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिल के जो है आपके पास टाइडल वॉल्यूम बनाते हैं, और वो कितना होता है? 500 ml होता है। ठीक है, कितना होता है? 500 ml। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज यूज फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, जो लंग कैपेसिटीज के अंदर आता है, तो वो कितनी है? 500 ml। उसके बाद ये है कि आपने सांस लिया और सांस आपने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो बदले में क्या है कि जो पीछे सांस रह गई यहाँ के आपके फेफड़ों के अंदर, वो कितनी होगी? 1.5 लीटर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। एक आपने सांस ली और उसको खारिज कर दिया, इस टोटल वॉल्यूम को आप क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। जबकि जो वॉल्यूम बाकी पीछे बच गया उसको क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होगा? 1.5 लीटर। अच्छा, यहाँ पे मैं बात बताता हूँ, स्टीप जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, ठीक है, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट, इसकी बात करते हैं। स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है कि जो डिफ्यूजन है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है फेफड़ों के अंदर। स्टीप डिफ्यूजन फास्ट किस तरह से होती है? देखें, 1.5 लीटर जो वॉल्यूम है हवा का, वो फेफड़ों के आपके बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, वहां पे ऐसी सांस मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ब्लड। ठीक है, आपके ब्लड की निस्बत जो है एल्वेलाई के अंदर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, तो हमेशा
वहां पे, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमेशा कम होगी, तो हमें तो हर वक्त जो है स्टीप डिफ्यूजन कायम रहेगी, यानी कि स्टीप कहते हैं फास्टर, यानी कि मॉलिक्यूल फास्ट जो डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर तेजी से होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं स्टीप डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो आपके फेफड़ों के अंदर हमेशा जो है स्टीप डिफ्यूजन का प्रोसेस हर वक्त होता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि आप जो सांस लेते हैं उसकी कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट कैसे होती है, ठीक है। जो आप सांस ले रहे हैं वो बेसिकली कंट्रोल किस तरह से होती है। मिसाल के तौर पर आपने नोट किया होगा कि जब आप स्विमिंग करते हैं तो वहां पे आप अपनी सांस को ज्यादा देर के लिए रोक कर नहीं रख सकते, ठीक है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो वहां पे अपने सांस को नहीं रोक सकते, इसीलिए जो आप स्पीच वगैरह कर रहे होते हैं या कोई लोग जो है सिंगिंग करते हैं तो अपनी सांस को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपकी बॉडी के हर सेल जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होगा। होता है कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा भी होगा कि आपकी बॉडी हर वक्त एनर्जी बनाती रहती है, और एनर्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये प्रोसेस हर वक्त आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको हर वक्त जो है सांस, यानी कि सांस के अंदर आपको गैसेस मिलती हैं, गैसेस के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो सांस का प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसीलिए 90-95% कंट्रोल जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके कंट्रोल के मुताबिक नहीं होता, ठीक है। और अमूमन 5% या 2% कर लें कि वो जो है आपके अपने ख्वाहिश के मुताबिक होता है, अप टू सम लिमिट, एक लिमिट तक आप अपनी सांस को अपने ख्वाहिश के मुताबिक रोक सकते हैं, उसके बाद जो है अपनी सांस को आप रोक नहीं सकते। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें जो है आपके सांस को रोकती हैं, ठीक है, या कंट्रोल करती हैं। तो पहले मैं जो है एक रफली डायग्राम ड्रा करूंगा। ये हमारे पास एक ह्यूमन बींग आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसके दिमाग का एक पोर्शन ड्रा करूंगा, इस एरिया पे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कहते हैं उसे, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, इसको समझने से पहले जो है मैं कुछ टर्म्स जो हैं आपको समझाता चलूँ कि वो टर्म जो है वो क्या होती हैं। सबसे पहले है वेंट्रल, फिर है डोर्सल और है लेटरल। ये तीन टर्म्स हैं अमूमन बायोलॉजी के अंदर जो है यूज की जाती हैं। मैं आपको कंसेप्चुअल इसका मतलब बता देता हूँ कि वेंट्रल, डोर्सल और लेटरल जो है इनका मतलब क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जमीन के ऊपर रेंगता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जमीन के ऊपर रेंगता है तो उसकी वो साइड जो जमीन की तरफ होती है उसको वेंट्रल पोजीशन कहते हैं, ठीक है, और उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको डॉर्सल कहते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े जो होकर जमीन के ऊपर रेंगते हैं तो उनकी जो साइड जमीन की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड, और उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी जो आंखें हैं, जो नाक है, मुंह हो गया, ठीक है, आपकी जो बॉडी का सामना का पोस्टीरियर है, ये सारा का सारा वेंट्रल है, और बैक साइड जो है वो क्या है, डोर्सल है, ठीक है। क्योंकि हम जब बचपन में होते हैं तो जब हम जमीन के ऊपर रहते हैं, घसीटे वगैरह करते हैं, तो हमारी जो सामने वाली साइड है वो जमीन की तरफ होती है, तो वो कौन सी हो गई, वेंट्रल, और जो बैक साइड है वो कौन सी हो गई, डोर्सल हो गई, ठीक है। वर्टिब्रेट्स का जो ऑपरेशन है वो अमूमन वेंट्रल साइड से किया जाता है, ठीक है, ये बात ही याद रखने कि वर्टिब्रेट का जो ऑपरेशन है वो अमूमन वेंट्रल साइड से किया जाता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में मौजूद होता है। अगर आप डॉर्सल साइड से उसको कट लगाएंगे तो उसके ज्यादा चांसेस है कि आप उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दें, ठीक है। तो डैमेज से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि उसका जो ऑपरेशन है वो वेंट्रल साइड के ऊपर करते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनको कट वगैरह जो है वो वेंट्रल साइड से, सॉरी, डॉर्सल साइड से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो फर्क आ गए, वेंट्रल और डॉर्सल, डॉर्सल पोजीशन का। इसके बाद है लेटरल। लेटरल कैसे कहते हैं, अगर मैं आपके सामने ये एक स्फीयर सा ड्रा करूं, ठीक है, और ये इसकी सेंट्रल पोजीशन आ गई, ठीक है, तो वो पोजीशन जो इसके सेंटर से दूर हो, तो सबसे दूर पोजीशन ये वाली है, ठीक है, ये वाली, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये इसके लेटरल मौजूद है, सेंटर पॉइंट के लेटरल, यानी कि सेंटर से दूर पोजीशन जो होती है उसको क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं, ठीक
किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके हाथ जो है वो आपके दिल से जो है वो लेटरल पोजीशन में मौजूद हैं, आपके पैर जो हैं वो आपके दिल से लेटरल पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन टर्म्स आ गए। अब हम जो है सही तरीके से एनाटॉमी पढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की के जो रेस्पिरेशन कंट्रोल्स हैं, सेंटर्स हैं, वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की बात की हमने कि वो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा यहाँ पे मौजूद है। तो उसकी जो वेंट्रल साइड है जो सामने की तरफ होगी, ठीक है, तो वो कौन सी जगह होगी, इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये इसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया, तो ये सामने वाला एरिया जो होगा, ठीक है, ये कौन सा होगा, वेंट्रल। और यहाँ पे जो पोर्शन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का जो होगा वो किस चीज को कंट्रोल करेगा, रेट ऑफ इंस्पायरेशन को, यानी कि इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करेगा, उसकी रेट और डेप्थ को जो है कंट्रोल करेगा। रेट और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन से क्या मुराद है कि आप एक यूनिट टाइम है यानी कि एक मिनट के अंदर कितनी सांसें लेंगे, ये रेट ऑफ इंस्पायरेशन है। जबकि डेप्थ क्या है कि आप कितनी गहरी सांस लेंगे, ये दोनों चीजें जो है वो इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद है, वेंट्रल साइड जो है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की वो कंट्रोल करते हैं। जबकि उसकी जो डॉर्सल और लेटरल, अब ये देखें दोनों एक ही जगह के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, डॉर्सल और लेटरल। डॉर्सल कहते हैं कि बैक साइड, तो ये देखें बैक साइड ऑलरेडी हो गई, और लेटरल यानी कि सेंटर पॉइंट से दूर की तरफ, ठीक है। तो वहां पे जो रीजन मौजूद है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करेगा और इंस्पायरेशन जो है यानी कि सांस लेने के प्रोसेस को रोकेगा और एक्सपायरेशन यानी कि सांस खारिज करने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इन बना के ऊपर जो है हम इनको दो नाम देते हैं, एक को कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर और दूसरे को कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर। यानी कि एक वो रीजन जो वेंट्रल साइड में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर, क्योंकि वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। जबकि दूसरे को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी सेंटर, क्योंकि वो एक्सपायरेशन को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद है कि ये तो हमारे बॉडी के अपने पार्ट्स आ गए जो के कंट्रोल कर रहे थे रेट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक तीसरी चीज आ गई जो हमारी बॉडी की अपनी है तो नहीं, लेकिन हमारी बॉडी की रेट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को कंट्रोल करती है, और वो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि आप के पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर आपको कल वाला लेक्चर, गुज़िश्ता लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें लास्ट वाली क्या थी कि गुड वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो गैसेस जो है जो नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंट होगा हमारा बॉडी सिस्टम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के ऊपर कि ऑक्सीजन कितनी मौजूद है। फॉर अगर हम इसके एग्जांपल लें तो 20% अगर ऑक्सीजन कम हो जाए आपके इस माहौल से, जो अब आप जो आपका नॉर्मल माहौल है, ठीक है, अगर इसमें से 20% ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो आपका रेट ऑफ इंस्पायरेशन जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो डबल हो जाता है। यानी कि अभी जो आप सांस ले रहे हैं उसके डबल आप जो है, अगर फर्ज करें, लेट्स सपोज कि आप एक मिनट के अंदर जो है वो 15 सांसें ले रहे हैं, तब आप एक मिनट के अंदर 20 सांसें लेंगे। अब मसला ये है या क्वेश्चन ये है कि हमारा जब हम भागते हैं, जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ज्यादा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल डेज की बात करते हैं, जब आप बैठे होते हैं या लेटे होते हैं या वैसे चल फिर रहे होते हैं, तो आपका नाभि, आपका जो बॉडी सिस्टम है वो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, कोई इतनी ऑक्सीजन वगैरह जरूरत नहीं होती, ना इतनी एनर्जी वगैरह जरूरत होती है। तो कुछ ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही स्टोर होती है और साथ साथ जो है आप सांस भी ले रहे हैं, लेकिन जब आप भागते हैं तो होता यह है कि आपके कुछ मसल्स जो पहले से काम नहीं कर रहे थे या कम काम कर रहे थे वो ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, अचानक से काम करना शुरू कर देते हैं। तब होता है क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है या अवेलेबल ऑक्सीजन जो है वो यूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके मसल जो है वो बार बार जो है वो
फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो क्या है कि अब आपको चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि ट्रेन चलने लगी है, अब आप उसको जो है ईंधन जो है वो चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था उस फंक्शन को जो है वो तेज कर देंगे, और वो क्या है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको आप तेज कर देंगे, बदले में आपकी सांस जो है वो फूल जाएगी। इसी तरह जब आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो वहां अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, यानी कि जो गैसेस होते हैं उनके दरमियान प्रेशर जो है वो कम होता है, उनके दरमियान टकराव कम होता है, तभी वहां पे ठंडक भी इसीलिए होती है पहाड़ों के ऊपर, तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। डेफिनेटली वही बात हो गई कि अब आप ज्यादा सांस लेंगे ताकि वो कम कम ऑक्सीजन तो आए लेकिन ज्यादा आए, ठीक है, यानी कि ज्यादा सांस लेंगे कम टाइम में, ज्यादा ऑक्सीजन आने की सूरत क्या हो सकती है कि आप ज्यादा सांस लें, ठीक है। तो ये तो था कि आप जो है मिडल ऑब्लिगेटा के अंदर कौन से सेंटर्स हैं जो कि रेट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रही होती है, यानी कि हरकत दे रही होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा है डायाफ्राम, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद कहाँ पे होते हैं, तो आपकी जो रिब्स हैं इनके दरमियान जो है इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद होते हैं, जबकि डायाफ्राम जो है बिल्कुल आपकी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर मौजूद होता है, इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में डोम यानी गुंबद की तरह जो है मौजूद होता है, आपके फेफड़ों के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। इन दोनों की मूवमेंट की वजह से आप इंस्पायरेशन करते हैं, आप सांस लेते हैं। अब सवाल ये है कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो ब्रीथिंग सेंटर्स जो हो गए हमने कौन कौन से पढ़े थे, इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर, वो क्या करेंगे इंटरकोस्टल मसल को और डायाफ्राम को जो है मैसेज भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात ध्यान में रखें कि ब्रीथिंग सेंटर कहाँ पे मौजूद है, आपके ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है, कहाँ पे मौजूद है, ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो ब्रेन के अंदर क्या कौन से सेल्स आपको मिलते हैं, न्यूरॉन्स मिलते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं मैसेज रिसीव करते हैं, मैसेज को मैनिपुलेट करते हैं, मैसेज जो है वो उसको फॉरवर्ड करते हैं टू द इफेक्टर्स। तो अब वो जो मैसेज लेकर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी मीडियम के थ्रू तो लेकर आ रहे होंगे, तो दिमाग से मैसेज इफेक्टर को थ्रू नर्व्स जो है वो पहुंचता है। अगर आपको नर्व्स याद हो तो अब आपको अगर नर्व्स याद हो तो आपको उनका फंक्शन भी पता होगा कि ये दिमाग से मैसेज जो है वो इफेक्टर की तरफ और सेंसर से जो है दिमाग की तरफ जो है मैसेज लेके जाते हैं। तो वो नर्व्स जो ब्रीथिंग सेंटर से इंटरकोस्टल मसल्स को आ रही होती है उनको कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स, और वो नर्व जो डायफ्राम को जा रही होती है उनको क्या कहते हैं फ्रीनिक नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटरकोस्टल नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है इंटरकोस्टल मसल्स को, और फ्रीनिक नर्व के थ्रू ब्रीथिंग सेंटर कंट्रोल करता है डायफ्राम को, ठीक है। ये बात आपको तकरीबन जो है वो समझ आ गई होगी कि ब्रीथिंग सेंटर जो है इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, इंटरकोस्टल नर्व्स और फ्रीनिक नर्व्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिदम्स की। रिदम्स क्या होते हैं कि अगर आपने कोई गाना वगैरह सुना हो या आपने रिदम का नाम सुना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि एक ही चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। अगर हम एक फ्रिक्वेंसी ड्रॉ करें तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक गाना है तो उसके अंदर ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो बीट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक रिदम बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ECG देखी हो जो आपके दिल की जाती है तो उसके अंदर आपको पीक सी नजर आती हैं, ठीक है, बार बार वही जो बीट्स हैं वही जो पीक्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, उसकी वजह क्या है। और बिल्कुल इसी तरह आपका ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो रिदमिक कंट्रोल में होता है, यानी कि एक प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तब आपका सांस लेने का प्रोसेस भी है वो भी रिदम्स में जा रहा होता है, यानी कि आप सांस लेते हैं सांस को खारिज करते हैं, सांस लेते हैं सांस को खारिज करते हैं। तो रिदमिक नर्व्स जो मौजूद हैं इनको भी कौन कंट्रोल कर रहा होगा, जाहिर सी बात है ब्रीथिंग सेंटर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होंगे। ये डायफ्राम को
और इंटरकोस्टल मसल को जो है मैसेज देंगी कि आप क्या चीज प्रोड्यूस करें, ब्रीथिंग मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करें बट इन रिदम, ठीक है, यानी कि रिदमिक मूवमेंट्स जो है वो क्रिएट होंगे, यानी कि सांस लेंगे और सांस को खारिज करेंगे, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रीथिंग नर्व्स के थ्रू जो है आपके रेस्पायरेटरी सेंटर्स जो है वो कंट्रोल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो प्रोसेस आ जाते हैं, एक है इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन यानी कि सांस लेना, ठीक है, और जबकि उसके उलट है एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन यानी कि सांस को खारिज करना। तो हम इंस्पायरेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि जो एक्सपायरेशन है वो इसके उलट प्रोसेस है। ठीक है, इंस्पायरेशन जो है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो और एक्सपायरेशन ये टोटल एक दूसरे के उलट हैं, तो हम एक को स्टडी करेंगे दूसरा टोटल उसके उलट कर देंगे तो प्रोसेस दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि इंस्पायरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मीन जिसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी जो है वो लगती है। अगर आपको सेकंड ईयर मसल्स वाला चैप्टर याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि जब ब्रिजेस बनते हैं मसल्स के अंदर तो एक ब्रिज बनने के लिए जो है 3 ATP के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, मसल्स के अंदर जो ब्रिजेस बनते हैं मसल्स की मूवमेंट के लिए, तो वहां पे आपको एक फाइबर के एक एक्टिन और मायोसिन की जो बाइंडिंग होती है उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए। एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए डेफिनेटली मतलब है कि यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी लग रही है इस प्रोसेस में, तो आप कहेंगे दैट इज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अच्छा, एक्टिव प्रोसेस की आप थोड़ा हम डिटेल देखते हैं कि एक्टिव प्रोसेस किस तरह से। ब्रीथिंग सेंटर से मैसेज आ रहा है थ्रू इंटरकोस्टल नर्व्स, किसको, इंटरकोस्टल मसल्स को, कहाँ पे मौजूद हैं, ये जो आपको रिब्स नजर आ रही है इसके दरमियान, ये जो ये रेड कलर का आपको मटेरियल नजर आ रहा है ये जो है क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अगर आपकी रिब्स इस तरह हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बदले में क्या होगा, ये जो निचली वाली रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ और ऊपर वाली बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाली ऊपर की तरफ जाएंगी रिब्स और ये वाली रिब्स जो है वो बाहर की तरफ, यानी कि रिब्स ऊपर की तरफ भी आ रही है और बाहर की तरफ भी जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो रिब्स ऊपर जाके जहां पे कंबाइन हो जाती है वहां पे जो कम्बिनेशन में एक बोन बनती है उसको आप कहते हैं स्टर्नम, जो आपके बिल्कुल ये सीने के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। तो इसी तरह जो रिब्स हैं वो ऊपर भी आ रही हैं और वो बाहर भी जा रही हैं, तो बाहर सेंटर में स्टर्नम मौजूद है, स्टर्नम भी जो है वो वर्टिकल कॉलम जो है उससे दूर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्टर्नम और जो रिब्स हैं वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगी। अब होगा क्या कि आपकी जो चेस्ट साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, बदले में क्या है कि आपके लंग का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपके फेफड़ों का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम केमिस्ट्री के अंदर देखें, एक बॉयल्स लॉ अगर आपको याद हो तो बॉयल लॉ ऑफ गैसेस, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो एक क्लोज सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है ये काइंडली अच्छा, तो ये जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन अ क्लोज सरफेस, यानी कि आपके पास एक क्लोज कोई भी क्यूब वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज है सिलेंडर वगैरह जिसके अंदर गैस मौजूद है, अगर उसका वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसी तरह वॉल्यूम इंक्रीज करें डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने से मुराद क्या है कि जो आपके फेफड़ों के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनके दरमियान जो है टकराव जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, टकराव कम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि टकराव कम हो रहा है, हम कह रहे हैं टकराव कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब है कहीं पे ज्यादा भी है। ठीक है, हम वैसे तो नहीं कह सकते ना कि प्रेशर कम है या ज्यादा है, हम किसी की रिलेटिव चीज कहेंगे कि
प्रेशर कम है या ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये लाइन ड्रा करता हूँ, मैं कहता हूँ ये छोटी है, लेकिन इसको छोटा करने के लिए जरूरी है कि आप साथ में बड़ी लाइन ड्रा करें। अब आप कहेंगे ये छोटी है और ये जो है वो बड़ी है, ठीक है। इसी तरह आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू आउटसाइड इन एनवायरमेंट, के इनसाइड द लंग प्रेशर जो है वो कम हो गया और बाहर जो प्रेशर ज्यादा है। अब आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द लंग जो है वो लोअर है और बाहर जो है वो ज्यादा है। अब क्या होगा कि हवा जो है, अब देखें मिसाल के तौर पर आप एक वैक्यूम जिस तरह पंप होता है आप उसको खोलते हैं, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, मतलब के अंदर जो है उसके अंदर क्या है कि जो जगह है वो प्रेशर जो है वो कम हो गया है, तो बदले में बाहर से हवा अंदर चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह आपके फेफड़ों के अंदर जो हवा जाती है वो भी बिल्कुल इसी तरह जाती है, ठीक है। यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर हवा कम हो जाएगी, बदले में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ रश करके चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब फेफड़ों के अंदर हवा चली गई, अब वहां पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, एल्वोलाई के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगी, वहां पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास इंस्पायरेशन का प्रोसेस, के इंस्पायरेशन आपकी बॉडी में किस तरह से होती है। एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी लगेगी, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसी साथ डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। डायफ्राम जो है वो रिब्स के नीचे इस तरह से मौजूद है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से लंग का वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है, और जो स्टर्नम बाहर की तरफ जा रहे थे, रिब्स जो ऊपर की तरफ जा रहे थे, वहां भी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। एक तो डायफ्राम नीचे से खींच रहा था, ऊपर से जो रिब्स थी वो भी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों की कॉन्ट्रेक्शन हुई, एक इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा क्या है डायफ्राम, ठीक है। तो दो चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो अब क्या कॉन्ट्रेक्शन से क्या है, कॉन्ट्रेक्शन के लिए आपको चाहिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इन दोनों काम के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए तो मतलब एक्टिव प्रोसेस है, और वॉल्यूम जो है इंस्पायरेशन में आपके फेफड़ों का वो इंक्रीज कर जाता है, बदले में प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन का प्रोसेस, एक्सपायरेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले बात ये है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन टोटल एक दूसरे के उलट प्रोसेस है। तो वहां हमने क्या पढ़ा कि इंस्पायरेशन जो है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस होगा, ठीक है। पैसिव प्रोसेस मीन नो यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो नहीं लगेगी। मिसाल वो किस तरह से, जो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्सेशन में आपके जो मसल्स हैं उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। स्टर्नम जो है, अब जो मसल थे वो जो इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट थे, आपकी रिब्स इस तरह से थी, वो रिलैक्स हुए तो आपकी पसलियाँ जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई, और स्टर्नम जो है वापस अपनी जगह के ऊपर ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर वापस आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बदले में क्या हुआ कि आपका थोरैक्स जो है वो भी डिक्रीज होना, आपकी जो छाती है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब क्या है कि हमने इंस्पायरेशन में क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ लंग जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ लंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो राइज हो जाएगा इन साइड द लंग। अब फिर से वही बात है कि प्रेशर इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू एनवायरमेंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन कायम हो गया कि आपके फेफड़ों के अंदर जो है क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है और कंसंट्रेशन ऑफ एयर जो है, प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया है। अब वो फौरन से बेहतर आपकी फेफड़ों से बाहर निकलने वाली करेंगे, क्योंकि प्रेशर जो है अंदर ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, बदले में क्या होगा, जो हवा है आपके फेफड़ों के अंदर उसको फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा,
इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों जो है रिलैक्स होंगे, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। ये चीजें हमने पढ़ी इनवॉलेंट्री कंट्रोल के मुताबिक। इसके बाद है वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो कंट्रोल होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि कुछ हद तक होता है, यानी कि आप अपनी सांस को कुछ हद तक जो है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से होता है, अभी तो अगर आपने पढ़ा कि आपकी जितनी भी सांस थी वो सारा का सारा आपका जो है रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहे थे, तो अब या ये जो वॉलेंट्री कंट्रोल है, थोड़ी सी अमाउंट तक जो हम कंट्रोल करते हैं वो किस तरह से होता है। तो आपके दिमाग का जो पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, ये उस वक्त ऑर्डर देता है जब आप कोशिश करते हैं अपनी सांस को रोकने की, सांस को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, तब आपके दिमाग का जो पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, ये आपने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर जो है वो पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, ब्रीथिंग सेंटर को ऑर्डर देता है कि अब आपने सांस को एक्सटेंड करना है या नहीं करना। ठीक है, डिजायर्ड कंट्रोल प्रोसेस हो रहा है। और ये प्रोसेस होता कब है, मिसाल के तौर पर आप स्पीच जो है देने लगते हैं, तो अब आप ये चाहते हैं कि एक सांस के अंदर जो है आप काफी लंबी बात कहें। इसी तरह जो तिलावत करते हैं कारी लोग, जो है आपने देखा होगा कि एक सांस के अंदर काफी लंबी जो है वो तिलावत कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज से जो है गेन की जाती है। कफिंग और स्नीजिंग में अमूमन जो है सांस रोक दी जाती है नॉर्मल प्रोसेस में, वो भी जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। सिंगिंग हो गया, गाने गाना हो गया, स्विमिंग का प्रोसेस जो है वो भी जो है क्या हो रहा होता है, इसी तरह कंट्रोल हो रहा होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है उसकी रिदम्स किस तरह जो है माइंड कंट्रोल कर लेता है, तो ये आपके जीन्स के अंदर बात जो है वो पहले से फिट कर दी जाती है कि इन इन कंडीशंस में आपने क्या करना है, कि आपने सांस को कितना जो है ज्यादा करना है, कम करना है, लेकिन आप थ्रू प्रैक्टिस जो है इन प्रोसेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मलेशिया के अंदर एक जजीरा ऐसा है जहां पे स्विमर जो है वो ऑल अबाउट 30 मिनट्स के लिए अपनी सांस पानी के अंदर रोक सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स तक, वो किस वजह से कि वो नस्ल दर नस्ल वहां पे जो है वो मछलियां पकड़ने का काम करते थे, हर वक्त जो है समंदर के अंदर ही रहते थे वो, तो हुआ ये कि उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो काफी लो हो गया। ठीक है, और उनके जिस्म भी देखें तो काफी दुबले पतले से हैं ताकि वो स्विमिंग में जो है अच्छे तरीके से स्विम कर सकें। तो ये है कि आप एक्सरसाइज से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 90-95% जो है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो ये था आपके पास, हमने पढ़ा कि जो बेसिकली जो लंग वॉल्यूम है वो क्या होता है, लंग कैपेसिटीज क्या होती हैं, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ा। इसके बाद हमने जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल और रेस्पिरेटरी सेंटर्स पढ़े, फिर हमने कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग यानी कि इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम को जो है ब्रीथिंग सेंटर किस तरह से कंट्रोल कर रहे थे, फिर रिदम्स क्या होते हैं, रिदमिक नर्व्स किस तरह से है ब्रीथिंग मूवमेंट क्रिएट करती हैं, इंस्पायरेशन का प्रोसेस हमने डिटेल से पढ़ा और एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है हमने डिटेल के साथ पढ़ा, और बाद में हमने पढ़ा कि वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो किस तरह से होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा।